गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 4.1 एनसीईआरटी का, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही आई और उसका मास दे रखा 200 ग्राम, तो इसको हम बना लेंगे किलोग्राम में, यानी कि 1000 का डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 0.2 kg। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है जहां पर एक कंडक्टिंग वायर रखा हुआ है। अब हमको पता ये करना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा, कि ये हवा में रहे। हवा में रहने का मतलब कि ये जो कंडक्टर वायर है इस पर फोर्स ऐसा लगे कि इसका वेट बैलेंस हो जाए, क्योंकि इस वायर का कुछ वेट भी होगा, मान लीजिए वो वेट है mg, तो हम इस पे इतना फोर्स लगाएं कि ये इसके वेट को बैलेंस कर ले, यानी फोर्स। और वो फोर्स क्या होता है, IBL sin θ। तो चूंकि साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि फील्ड और करंट की डायरेक्शन ये सारा जो है 90 डिग्री पे है, इसलिए साइन 90 की लिखने की जरूरत नहीं, तो हमको फील्ड निकालना है। फील्ड क्या हो जाएगा, mg/I/L, ठीक है। अभी इस कैसे देखेंगे, देखिए करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड रूल को देखिए, और ये डायरेक्शन आपका जो है, या यूं ऐसे कर लीजिए, ये आपका करंट की डायरेक्शन है, ये फोर फिंगर आपकी फील्ड की डायरेक्शन है जो कि हॉरिजॉन्टल से पहले बोला है। तो फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, यानी फोर्स जब ऊपर की तरफ लगेगा तो ये अपने वेट को बैलेंस कर लेगा। तो अब उसी के हिसाब से वेट इक्वल टू IBL sin θ, साइन 90 हो जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा, यहां साइन 90 कर सकते हैं तो वो जीरो हो जाएगा। फील्ड निकालना है तो मास हमारा कितना है 0.2, ग्रेविटी 9.8 ले लें, करंट की स्ट्रेंथ दे रखी है 2 एम्पियर और लेंथ दे रखी है 1.5। जब इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो आ जाएगा 0.65 टेस्ला। ये फील्ड की स्ट्रेंथ होगी कि जब ये फोर्स उसके वेट को बैलेंस कर लेगा। अब दूसरी बात कही जाती है क्वेश्चन में, कहा गया है कि देखिए कुछ ना कुछ अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वहां पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को निगलेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि अगर वो रहेगा तो फिर उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, तो हम ये मान लें कि वहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल है, जिसकी वजह से ये फील्ड यहां पर फोर्स को बैलेंस कर रहा है वेट से। तो इस तरह से इसको समझेंगे। गुड बाय।